Dear student, our topic is boiling point. First of all, I will tell you expected exam questions. What is boiling point? Write a note on boiling point. Describe the process of boiling point. What is the relationship between evaporation and boiling point of a liquid? Or define Boiling point and also explain how it is affected by different factors. Now, first of all, we will understand the definition. Boiling point is defined as the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure. Let's make it simple. Boiling point is actually the temperature. Which temperature? That temperature at which both vapor pressure of a liquid and external pressure must be equal. That is called simple boiling point. Dear students, now we will discuss how it happens. As you know, molecules of liquids move randomly here and there. When a liquid is heated its molecules gain energy more and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces due to this rate of evaporation increases vapor pressure also increases here atmospheric pressure as an external pressure exerts on the surface of the liquid and pushes back these vapors into the liquid but when we continue the heating process, then a stage will reach where the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. At this stage, the liquid starts boiling. Hopefully, you understand very well about the process of boiling point. Dear students, now we can explain this uh, boiling point by illustration of a uh, figure or diagram. अगर आप देखें इसकी एलस्टेशन जो फिगर है ये आपके सामने है इसमें वाटर के लिए रेड कलर की लाइन शो हो रही है अल्कोहल के लिए ग्रीन कलर की लाइन शो हो रही है और ईथर के लिए ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है और इफ़ वी टॉक अबाउट दी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड देखें जो नीचे आपको पता है हॉरजेंटल लाइन जो टेम्परेचर की लाइन है वहाँ पे ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी आपको नज़र आ रहा है और जो बिल्कुल कॉर्नर है वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है तो जो वर्टिकल लाइन है जो वेपर प्रेशर की है एम एम एच जी वो ऊपर टॉप पे आपको 760 नज़र आ रहा है जो कि 1 ए को शो करता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकिन ये पूरी लाइन आपकी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और ऊपर की तरफ जा रही है तो हम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर देखें टेम्परेचर जब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है तो वेपर प्रेशर ऑफ़ दी डाई थाइल ईथर इज़ टू हंड्रेड एम एम ऑफ एच जी कि डाई थाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 200 हंड्रेड एम एम ऑफ शो हो रहा है जो कि आप देखें ब्लू कलर की लाइन थोड़ी सी अबव अब है ये इससे ज़ीरो से और यहाँ पे आलमोस्ट 200 हंड्रेड एम एम एफ एच है और जबकि हम वेपर प्रेशर ऑफ हिथाइल अल्कोहल को देखें तो वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी कि जब टम्परेचर ज़ीरो है तो वो 25 फ़ाइव एम एम ऑफ एच यानी कि 25 जो है ना 25 ये 200 से देखें ये नीचे है ये ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर है इसलिए ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच है जबकि ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अगर हम वेपर प्रेशर देखें वाटर का वो बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ा सा अब नज़र आ रहा होगा रेड कलर वाली लाइन ये फाइव एम एम ऑफ एच जी है बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर है तो ये ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये हैं लेकिन जैसे जैसे हम इनको हीट करते हैं तो ये क्या होंगे इंक्रीज हो रहे हैं ये ऊपर को जा रहे हैं आपको नज़र आ रहा है रेड कलर भी ऊपर को जा रहा है ग्रीन कलर भी ऊपर को जा रहा है और इसी तरह ब्लू कलर की लाइन भी ऊपर को जा रही है और अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसका सबसे पहले डाईथाइल ईथर की बात करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ डाईथाइल ईथर जो है ना इंक्रीज़ होगा रैपिडली ये थोड़ा सा बाक़ियों के नस्पत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है जबकि बाकी ज़रा स्लोली हैं इसी वजह से देखें ये लेफ़्ट की तरफ टिल्ट है तो ये वेरी रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है और बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल इसके वेपर प्रेशर होंगे उस वक्त टेम्परेचर 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यानी कि जो कि 20 और 40 के बिटवीन है ठीक है इसी तरह अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट वाली लाइन को ग्रीन कलर की लाइन को तो वेपर प्रेशर ऑफ हिताईकोहल जो बात कर रहे हैं ये इंक्रीज़ हो रहा है मॉडरेटली यानी दोनों के दरमियान में है तो थोड़ा सा मॉडरेटली इंक्रीज़ कर रहा है और ये भी ऊपर कुछ जा रहा है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 80 से थोड़ा सा करीब करीब और इसी तरह अगर लास्ट में हम वाटर को चेक करें तो ये वेपर प्रेशर इसके भी इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली हैं इसलिए ये राइट की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ से स्लो स्लो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वेरी स्लोली होने की वजह से इसका इंटर मोलिकुलर फोसज क्यों स्लोली हैं कि इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इसके वाटर के ज़्यादा स्ट्रॉग हैं तो ये इसलिए बहुत स्लो इसके वेपर प्रेशर जो है ना इंक्रीज हो रहे हैं और ये जब एटमोसफेयर प्रेशर के इक्वल बनता है तो ये आलमोस्ट टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट क्या शार्पली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये वेपर प्रेशर इसके इक्वल टू एटमोसफेयर प्रेशर के बनते हैं आपको देखें ये लाइन जो नज़र आ रही है एटमोसफेयर प्रेशर की सेवन की सब के जब वहाँ पर टच करते हैं एटमोसफेयर प्रेशर का उस वक्त इनका बॉयलिंग पॉइंट आता है इसलिए उनके टेम्परेचर वो दिए हैं 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इथाइल लीथर के लिए सॉरी डाई थाई के लिए और जो है 78 एट एथाई के लिए और जो वाटर के लिए है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि तमाम बब डिस्कशन से हमारा कंक्लूजन ये निकला रिजल्ट ये निकला कि वेपर प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड इंक्रीज़ वेरी रेपडली वेन दी लिक्वर्ड आर नीयर टू बॉयलिंग पॉइंट जब बॉयलिंग पॉइंट के करीब करीब होते हैं तब ये तेज़ी के साथ इनक्रीज़ करते हैं पहले ये सोचो जा रहे हैं जैसे ही बॉयलिंग पॉइंट के पास पहुँचते हैं तो वेपर प्रेशर वेरी रेपिडली इंक्रीज़ करता है और इक्वलन टू जब उसके हो जाएगा तो फिर एटमोसफियर प्रेशर के तो वही उसका बॉयलिंग पॉइंट होगा जी ठीक है स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टेंड वेरी वेल एंड यू विल लर्न फ्राम यूर टेक्सट बुक डी स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस factors of boiling point the boiling point of the liquid depends upon the following factors nature of liquid intermolecular forces and external pressure let's we talk 1 by 1 how many discuss in nature of liquid sub 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 The polar liquids have higher boiling point दैन that ऑफ नॉन polar liquids बिकॉज polar liquids have strong इंटर forces. फोर्स जी इसमें कह रहा है कि जो पोलर लिक्विड्स हैं यानी कि आपने पहले जैसे पढ़ा है चैप्टर में जो हमारे बॉन्ड वाला चैप्टर था कि पोलर कौन से होते हैं वो कोलन बॉन्ड्स जिनमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पैदा होता है तो वो पोलर कंपाउंड जो हैं वो लिकुड्स जो हैं उनका बॉयलिंग पॉइंट जो है वो कहता है नॉन पोलर से ज़्यादा होता है रीज़न भी दी है क्या रीज़न दी है कि जो पोलर लिक्विड्स हैं ये इंटर मालिकुलर फोर्स ज़्यादा रखते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है चैप्टर इस चैप्टर में कि इंटर मालिकुलर फोर्स बिटवीन दी पोलर बॉन्ड्स मोर स्ट्रॉन्ग हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड्स तो इसलिए उस वजह से ही इसी नेचर की वजह से लिक्विड की इसका जो uh, है बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा होगा जो पोलर होंगे नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर इंटरमालिकुलर फोर्स ये बिल्कुल रेलिवेंट है उसी तरह जो पहले हमने पढ़ा है जो नेचर ऑफ लिक्विड में पढ़ा है उसी जैसा है कि इंटरमालिकुलर फोर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन दी बॉयलिंग पॉइंट ऑफ लिकुडस सबस्टांस हैविंग स्ट्रॉगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हैव हाई बॉयलिंग पॉइंट बिकॉज सच लिकुडस अटेन ए लेवल ऑफ द वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट हाई टेम्परेचर जिसको हम आसान लफ्जों में अगर समझें तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकर फोसेज रखते हैं जो सब्सटांस भी उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा जैसे हम पीछे भी पढ़ा है ये उसी जैसा फैक्टर है बस डिफरेंस ये है कि जहाँ पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जनरल बात कर रहे हैं वहाँ पे हम पोलर की बात की थी पोलर और नॉन पोलर की तो इंटर फोर्सेस अगर ज़्यादा हैं इनके दरमियान मालिक्यूल दूसरे मालिकूल को ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को खींच रहे हैं तो बॉयलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली हाई होगा तो एक बॉलिंग जो मॉलिक्यूल है वो उसका स्केप होना या बॉयिंग पॉइंट के लिए उसका वेपर बनना वो ज़्यादा डिफिकल्ट या मुश्किल होगा रीजन भी दी है बिकॉज कैसे लिक्विड में जो लेवल ऑफ वेपर प्रेशर है वो ज़ाहर है हाई टेम्परेचर पे जाके पैदा होगा जो एटमोसफियर प्रेशर के इक्वल हो सके यानी कि वेपर बनने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी ना क्योंकि इंटर मोलिकूल फोर्स ज़्यादा दो मालिक्यूल आपस में एक दूसरे को ज़्यादा खींच रहे हैं तो फिर एक मारिक्यूल को एक दूसरे को छोड़ के वेपर बनना और वेपर बन के वो प्रेशर लगाना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जी हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ कंट्रोल्ड बाई एक्सटर्नल प्रेशर इन सच ए वे दैट इट कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट का इससे बहुत गहरा तौलु है जो बाहर का प्रेशर है जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं उससे बहुत गहरा तौल्क है क्योंकि ये उसको कंट्रोल करता है जैसा कि देखें सी लेवल पे हम पढ़ते भी आए हैं हमें पता भी है कि ए, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन ए टी एम होता है जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं ऊंचाई पे जाते हैं तो आपका ये वन एटीएम नहीं रहता प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मालिक्यूल ऑफ जो एयर हैं वो कम होते हैं जिस वजह से उसका प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट चूँकि उससे डिपेंडेंट है इसका मतलब है जब हाई प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट तो भी हाई है जब हम हाइट पे चले जाते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम पड़ जाता है जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी कम पड़ जाएगा यही वजह है कि आमतौर पर हिल स्टेशन पर एट लो टेम्परेचर पर वाटर बॉयल हो जाता है और जबकि सी लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट है यही वजह है कि गोश्त है या कोई चीज़ जब कुक करनी हो तो वो हम हाई जब लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे वो मुश्किल होती है कुक करना क्योंकि पानी जल्दी बॉयल हो जाता है वो उड़ जाता है और गोश्त को जो गलने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो हंड्रेड पहुँच ही नहीं पाता जैसे फर्ज गए वो सिक्सटी पे सेवेंटी पे अगर वेपर बन रहा है वाटर तो वो फिर उतना ते, जो है ना टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा कि 100 हो या 100 से ज़्यादा हो जिस पे वो गोश्त गल सके तो इसी जो प्रिंसिपल के तहत प्रेशर कुकर बनाया गया है कि प्रेशर कुकर में एक्चुअली हम क्लोज्ड एस्टोर कर लेते हैं सारे वेपर अंदर ही रहते हैं और वो वेपर जो है वो प्रेशर जब एक्जर्ट करते हैं वापस तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है जो चीज़ आपकी 100 पे बॉयल होनी थी वो अब 120 या 200 पे जाके बॉयल हो रही है तो मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेन भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है इसलिए जल्दी ही चीज़ कोक हो जाती है गोश्त है या कोई चीज़ भी है तो वेपर प्रेशर के इस असूल के तहत जो एक्सटर्नल प्रेशर का कंट्रोल है इसी के तहत हमारा ये प्रेशर कुकर भी बनाया गया है कि एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ा लें तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है और यही प्रेशर कुकर में हम मेंटेन करते हैं उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आप अपनी बुक से ये याद कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच